बार सर बामला फाउंडेशन ने युवा मित्र मंडल द्वारा रखा गया ग्रीन गणेशा, आपने यहाँ पर जस्ट ब्लेसिंग्स लिया, हाउ डू यू फील? ऑलवेज फील हैप्पी टू कम, दर्शन लेने में बहुत खुशी होती है हमेशा, ऑलवेज फील हैप्पी टू डू दैट। और जहाँ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाया जा रहा हो तो और भी खुशी होती है। आजकल मतलब आई डोंट थिंक सब जगह इको फ्रेंडली गणेश उत्सव शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ शुरू हुआ आई थिंक वो इंकरेज करेंगे बाकी लोगों को भी ऐसा ही करने में। एंड इंडिया में आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, हम अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सोसाइटी को एडुकेट करें रिगार्डिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस और क्लाइमेट चेंज, और जो हम मतलब एनवायरमेंट को जो गंदगी पहुंचाते हैं उससे कितना नुकसान हमें ही होता है। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्यूचर जनरेशन्स को, मरीन लाइफ को, सोसाइटी को, एटमोसफियर को, और जनरली हमारी पूरी जो हमारा जो देश है उसकी जो स्वच्छता है उस पर कितना इजाफा आएगा, वो आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड, इट्स समथिंग यू कैन नॉट रियली कैलकुलेट, क्योंकि हम इतने बड़े पैमाने पे मनाते हैं गणेश उत्सव। सो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर इन एन इको फ्रेंडली गणेश उत्सव। बामला फाउंडेशन द्वारा हमेशा से सीरियसनेस अवेयरनेस दिखाई गई है, चाहे वो प्लास्टिक के रिगार्डिंग हो अवेयरनेस या एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, उस पर क्या कहेंगे सर? मुझे अच्छा लगता है जब लोग इतनी सीरियसली एनवायरमेंट को लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सोशल कॉजेज में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा ज़रूरत आज है वो है एनवायरनमेंट की देखभाल की। बिकॉज़ आई थिंक पूरी दुनिया जागरूक हो गई है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जितना हम एनवायरनमेंट को देंगे उतना हमें वापस मिलेगा, जितना हम एनवायरनमेंट को मिसयूज़ करेंगे उतना हमें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को ही नुकसान होगा। सो इट गिव्स मी प्लेजर टू बी इन्वॉल्व इन सच कॉजेज। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ का, एंड आई थिंक जितना टाइम मिलता है उतना हम मदद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक ये मूवमेंट बढ़ते जाएगा साल भर साल, एंड इवेंचुअली आई एम श्योर द होल नेशन विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इट मींस टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर एनवायरनमेंट। आसिफ सर, तुषार जी हमेशा आपके बामला फाउंडेशन का, चाहे इवेंट हो या कोई भी सोशल कॉज हो, काफ़ी अप फ्रंट में रहे, क्या कहें? तुषार इज़ लाइक अ फैमिली एंड ही हैज़ एन एनवायरमेंटल हार्ट, इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ऑल इनिशिएटिव्स विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और कभी उन्होंने ना नहीं बोला हमें, मतलब अगर उस मौके पर नहीं पहुँच भी पाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं आसिफ जी आई लाइक टू ट्वीट, आई लाइक टू सेंड द मैसेज अक्रॉस दैट आई एम वेंचरिंग इन टू दिस ग्रेट एनवायरमेंट एंडेवर, एंड आई थिंक पीपल लाइक देम स्टार्स आर रोल मॉडल्स, एंड आई मीन तुषार जी की होल फैमिली एकता इज़ ऑलवेज सपोर्टिव, जीतू जी हैज़ ऑलवेज कम टू ऑल आर फंक्शन, एंड ही सो सपोर्टिव, इन फैक्ट ही गिव्स अस सर्टेन गुड आइडियाज़ ऑल्सो, इवन नाउ ही इज़ सो एक्टिव एंड ही इज़ गॉट सच vibrant ideas even with relating to environment, because that again is one of his good subject also, and I'm so happy that Tushar is been loved by so many hamare foundation ke sare members, hamare eco champs inse bada pyar karte hain aur dili ittefaq rakhte hain, kyunki ye acche kamon mein hamesha badh chadh ke hissa lete hain aur aage bhi badh chadh ke isi kisam se hame sahyog dete rahenge, yahi apeksha rakhta hu, aur fir se Ganpati Bappa More. Thank you. Tushar, one question, one show that kasauti zindagi is a lot of getting birth in social media everywhere, what do you want to say? Ekta ma'am coming with a big promotion style like big films do, what do you want to say regarding that? I think equal credit should be given to the channel Star Plus for promoting kasauti in such a big way, or आजकल सब जानते हैं कि टेलीविज़न की रीच जो है वो मतलब फिल्मों से भी ज़्यादा है, सो व्हाई नॉट प्रमोट टेलीविज़न शो इन द सेम फॉर्मेट, इन द सेम पैटर्न, इवेंचुअली कंटेंट ही बात करेगा, जितना अच्छा लगेगा लोगों को उतनी चलेगी। प्रमोशन से तो आई थिंक इनिशियली एक अवेयरनेस बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद आई थिंक कहानी और परफॉर्मेंसेज और जो कंटेंट होता है उससे शो को फ़ायदा होगा। आई होप इट डज वेल। क्या आपने कोई एपिसोड फर्स्ट देखा, क्योंकि हिना खान का जो कॉमेडी का जो रोल है उसको लेकर काफ़ी बर्थ है, अभी तक उसका कोई पोस्टर कुछ भी बाहर नहीं आया था, तो क्या आपने कोई एपिसोड देखा है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा है कोई भी एपिसोड, बट आई एम श्योर जो फैंस रहे हैं कसौटी के, कोमलिका के कैरेक्टर के, वो उत्सुकता से वेट कर रहे होंगे, तो आई शुड नॉट रिवील एनीथिंग फॉर देम, स्पॉइल देयर फन। आई थिंक जितना वेट करेंगे, जितना ऑडियंस की हंगर बढ़ेगी उतना शो चलेगा, दैट्स हाउ इट शुड बी। थैंक यू।